الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على اعدائهم وقاتليهم وظالميهم اجمعين اما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك احسن القصص صلوات على محمد وآل محمد। आशूर का दिन है, इंतहाई क़यामत की तारीख, इंतहाई रंज और गम की तारीख, इंतहाई मुसीबत की तारीख। इस मौके पर एक माँ की खिदमत में उसके लाल का भी परोसा पेश करना है। इस मौके पर एक इमाम की खिदमत में उनके जद्द मज़लूम का फुरसा भी पेश करना है। आइए इब्तदाई में मिलकर अर्ज़ कर दें, ए ज़माने के इमाम, आपको आपके जद्द मज़लूम हुसैन का फुरसा। ए आका हुसैन, हम आपके जद्द मज़लूम पर रोने के लिए जमा हुए। आइए उस माँ की खिदमत में भी अर्ज़ करें जिसने तमन्ना की थी, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन। ये तमन्ना सिद्दीक़े ताहिरा की थी। आइए मिल के अर्ज़ करते हैं कि हमने तमाम हालात में भी हुसैन मज़लूम का गम मनाया है, हमने सख्तियों उसके दौर से गुज़र के भी नाम हुसैन लिया है। हमने हालात की वजह से अगर निकलना मुमकिन न हुआ तो अपने घरों पर भी अज़ाए हुसैन बर्पा किए। ए शहज़ादी, हमारी अज़ा को कबूल कर लो। ए ज़माने के इमाम, हमारी अज़ा को कबूल कर लो। यकीनन ये क़यामत की तारीख है, यकीनन ये बहुत सख्त मरहला है। ख़ुद आशूर का दिन ये कुछ बयान करने के लिए नहीं है। अगर क़ुरान में बहुत से वाक़यात हैं, उन वाक़यात में ख़ुद हमारे जहन को करबला की तरफ मुतवज्जे किया गया है। बहुत से वाक़यात में करबला की मुसीबत को भी बयान किया गया है। जनाबी यूसुफ़ के लिए अगर सख्तियाँ थीं तो फिर अपने बाप की निगाहों से जुदा हो गए। करबला में एक यूसुफ़ भी अपने बाप की निगाहों से जुदा हुआ है। अगर जनाब इस्माईल अपने बाप की निगाहों के सामने, जनाब इब्राहिम ने इम्तिहान दिया है अपने बेटे के लिए, तो फिर करबला में भी एक इस्माईल है इब्राहिम की निगाहों के सामने। सख्त मंजिल हुसैन इब्न अली के लिए है। आज का दिन हुसैन तीन दिन के प्यासे हैं, लाशों पे लाशें लाकर लेकर आ रहे हैं। और ये जुमला है कि जैसे असहाब मुझे मिले वैसे न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले हैं, ना मेरे भाई हसन को मिले हैं। ऐसे असहाब की लाशों को उठाना, ऐसे असहाब की लाशों पर जाना, ये हुसैन इब्न अली का दिल ही जानता है। एक के बाद एक सहाबी जाता है, कभी जनाब हबीब जाते हैं, कभी मुस्लिम इब्न औसजा गए, कभी जुहैर गए, कभी वहब कल्बी गए। जब असहाब दुनिया से रुख्सत हो चुके तब ऐसा की बारी आती है। कभी हुसैन ने उन मोहम्मद को खुदा हाफिज कहा है, कभी हुसैन ने कासिम को खुदा हाफिज कहा है। वो वक्त भी आता है कि अपने बराबर के भाई अब्बास को खुदा हाफिज कह रहे हैं और फिर कानों में आवाज़ गूंजती है, ए आका अपने भाई की मदद को पहुँचो। हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, ए भैया अब्बास अलान इनका सारा जहरी। तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। वो क़यामत की घड़ी भी हुसैन के लिए आती है कि आका हुसैन अपने 18 बरस के जवान को मक्तल में भेज रहे हैं और अभी भेज के आकर बैठे हैं कि उधर से आवाज़ आती है, बाबा अपने लाल का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम हुसैन जनाब अली अकबर के सराहाने पहुँचे हैं।
अपने लाल के लाशे को उठाया है और जब उठा न सके टुकड़े टुकड़े लाशा था। ये कहा था, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ अली अकबर के लाशे को सहारा दो। इस इम्तिहान की मंजिल से गुजर कर एक और इम्तिहान हुसैन इब्ने अली ने दिया है कि मख्तल में एक 6 महीने का लाल लेकर आ रहे हैं, एक हुज्जत खुदा को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और फिर वो घड़ी भी आई कि हुसैन के हाथों पर वो 6 महीने का बच्चा ज़िबह कर दिया गया, हुसैन के हाथों पर बच्चा शहीद कर दिया गया। आका हुसैन के दिल पर क्या गुजरी है, अपने 6 महीने के लाल को खैमे तक लेकर आते हैं, जनाब रबाब के हवाले किया है। और फिर यहाँ पर यह भी मिलता है कि जनाब इमाम हुसैन ने जब जनाब अली असगर की शहादत हो चुकी, दर खैमा पर आकर एक जुमला कहा था। अब यहाँ एक चीज़ काबिल गौर है कि करबला में भी माओं के लिए अपने बच्चों की शहादत आसान नहीं थी। जनाब ज़ैनब के लिए ओनो मोहम्मद की शहादत, जनाब ज़ैनब के लिए जनाब अली अकबर की शहादत, जनाब उम्मे लैला के लिए अकबर का रुख्सत हो जाना, जनाब कासिम जनाब उम्मे फरवा के लिए जनाब कासिम का चला जाना। लेकिन इन सारी शहादतों को ख्वातीन ने देखा था, बीवियों ने देखा था, लेकिन सब्र किया था। दिल ये कहता है कि इन कुर्बानियों को देख कर हर बीवी इसलिए सब्र कर लेती होगी कि सही है मेरा अकबर चला गया, सही है ओनो मोहम्मद चले गए, सही है कासिम चले गए, लेकिन मेरा आका हुसैन तो मौजूद है, मेरा मौला हुसैन तो मौजूद है। ज़रा सोचो कि जिन आका हुसैन को देख देख के सारी मुसीबतों को ख्वातीन ने बर्दाश्त कर लिया है, अब अगर वही हुसैन आकर दरे खैमा पर कह रहे हों ए ज़ैनब तुम पे हुसैन का आखिरी सलाम, ए उम्मे कुलसूम तुम पे हुसैन का आखिरी सलाम, ए माँ की कनीस फिसा तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, ख्वातीन के दिल का आलम क्या हुआ होगा। इमाम जनाब ज़ैनब ने आकर फरमाया है, माँ जाए ये भाई इस तरीके से रुख्सत ना होइए, खैमे में तशरीफ़ लाइए ताकि बीबी आपसे रुख्सत हो लें। मौला हुसैन खैमे में आए। अब इस वक्त आप सुनते रहते हैं कि आका जनाब सईद सज्जाद के सराहाने पहुँचे, इमाम गश के आलम में हैं, आशूर का दिन है, गशी का आलम है। इमाम ने जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर शाना हिलाया, बेटा सईद सज्जाद गश चौको, तुम्हारा बाबा रुख्सत आखिर के लिए आया है। उस आलम में बेटा गश चौकता है और फिर जो मंज़र देखा, फरमाया आखिरी लम्हात में जब मैंने अपने बाबा को देखा है तो पहचान न सका, इतने तीर जिस्म मुबारक पर पेवस थे कि जिस्म तायर सफ़ेद मालूम हो रहा। सवाल कर लिया, बाबा खैर तो है, आप तन्हा आए हैं, ओनो मोहम्मद कहाँ है, अली अकबर कहाँ है। इमाम ने फरमाया खत कुतिल, सही शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। उसी आलम में एक दफ़ा हसरत से कहा है, बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ है। इमाम ने फरमाया है, मेरे लाल सैयद सज्जाद तुम्हारे चचा फुरात के किनारे शानों को कटाए सो रहे हैं। इमाम बेचैन हो गए, ए बाबा आप तन्हा रह गए। फरमाए मेरे लाल अब मर्दों में मेरे और तुम्हारे सवा कोई बाकी नहीं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, उस वक्त उठना चाहा कि मैं बाबा की नुसरत के लिए बढ़ूँगा, मैं आका की नुसरत के लिए जाऊँगा। इमाम ने फरमाया, मेरे लाल तुम पर जिहाद साकित है, तुम्हें इमामत के फरीजे को अंजाम देना है, तुम्हें इम्तिहानात की मंजिल से गुजरना है। और यहाँ पर ये जुमलात भी आप सुनते हैं, आखिरी लम्हात में इमाम हुसैन ने सैयद सज्जाद से चौथे इमाम से ये भी जुमला कहा था, मेरे लाल जब शाम के कैद खाने से छूट के मदीने जाना तो मेरे अच्छियों को मेरा सलाम कह देना, मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कह देना। अजीज़ और इंसाफ से बताओ, जिसका घर उसकी निगाहों के सामने उजल चुका हो, जिसका 18 बरस का जवान दुनिया से जा चुका हो, जिसका 6 महीने का बच्चा दुनिया से रुख्सत हो चुका हो, जो खुद आमादे शहादत है लेकिन उसे अपनों का कितना ख्याल था कि उन आखिरी लम्हात में भी इमाम हुसैन ने अपनों को फरामोश न किया, बल्कि ये जुमला फरमाया सैयद सज्जाद हमारे चाहने वालों को हमारा सलाम कह देना। जब आका ने आखिरी वक्त हमें याद रखा है तो आइए मिल के अर्ज करते हैं, मौला जब आखिरी वक्त आपने हमें याद किया है तो हम भी जमा हुए हैं आप पे गिरिया करने के लिए, आप पे आंसू बहाने के लिए। मौला हम आए हैं आपका गम मनाने के लिए, हम कहीं भी रहेंगे आपके गम को नहीं फरामोश कर सकते, आका आपकी अज़ा हमें बरपा करना है। इमाम हुसैन फिर रुख्सत हुए, चौथे इमाम को खुदा हाफिज़ कहा है और फिर बीवियाँ दो रोयाँ खड़ी हुई हैं, दोनों तरफ ख्वातीन हैं। इमाम हुसैन दरबार से उस खैमे से निकल रहे हैं, जनाब ज़ैनब को खुदा हाफिज़ कहा है, जनाब उम्मे कुलसूम को खुदा हाफिज़ कहा है,
तमाम बीबियों को खुदा हाफिज़ कहा है। आका हुसैन खैमे से बरामद होते हैं, खैमे से निकलते हैं। जिस वक्त आका हुसैन खैमे से निकले, रहवार के पास आए हैं, नजरा यमीन व शिमाला, एक दफ़ा दाएं जानिब देखा, एक दफ़ा बाएं जानिब देखा, हसरत से एक जुमला कहा था, ए मेरे शेरो कहाँ हो, ए मेरे जवानों कहाँ हो। इससे पहले जब भी तुम्हारा आका सवार होता था तो अब्बास आगे बढ़ते थे, अली अकबर आगे बढ़ते थे, औनो मोहम्मद आगे बढ़ते थे, अपने आका को सहारा देकर सवार करते थे। हाय कोई नहीं है जो हुसैन को सवार करे, हाय कोई नहीं है जो हुसैन को सहारा दे। एक दफ़ा खैमे का पर्दा उठता है, माँ जाए खैर तो है, अभी तो मुझे समझा रहे थे, अभी तो मुझे सब्र की तलकीन कर रहे थे, ए भैया तुम्हें क्या हो गया कि इस तरह से बेचैन हो। फरमाया, ए बहन ज़ैनब मुझे मेरे शेर याद आ गए, ए बहन ज़ैनब मुझे मेरे जवान याद आ गए। जब भी मैं सवार होता था मेरा अकबर मुझे सहारा देता था, जब भी मैं सवार होता था मेरा गाजी अब्बास आगे बढ़ता था, अब कोई नहीं जो हुसैन को सवार करे। ये बहन आगे बढ़ी है, माँ जाए, ये ज़ैनब मौजूद है, ये आपको सवार करेगी। जनाब ज़ैनब ने सवार किया है, इमाम हुसैन मक्तल में आए, पूरी जंग नहीं पढ़ना है, आशूर का दिन है, हम आका हुसैन पर गिरिया करें, आका हुसैन पर आंसू बहाएं। इमाम हुसैन मक्तल में आते हैं, इमाम ने एक शेराना हमला किया है, और शेराना हमला किया है, इमाम थे, हुज्जत खुदा के बेटे थे। शायद इस हमले की एक वजह और सबब यह भी रहा हो, यहाँ तक लिखा है कि जब हमला किया है तो करबला में फौजें कूफे से, कूफे की दीवारों से टकरा रही थी, यानी कूफे से भागना शुरू किया, अलमान और अलहफीज़ की सदाएँ बुलंद थी। शायद उसकी एक वजह यह भी हो कि हुसैन दुनिया को बताना चाहते, ये ना सोच लेना हुसैन मजबूर थे, ये ना सोच लेना हुसैन के पास ताकत नहीं थी, ये ना सोच लेना हुसैन के पास कुव्वत नहीं थी, हुसैन की निगाहों में मशीयत परवरदिगार थी, इसलिए अकबर की शहादत को निगाहों से देख लिया, इसलिए अब्बास की शहादत को देख लिया, इसलिए अपने चश्माए मुजाहिद की शहादत को देख लिया। और शेराना हमला किया है, आवाज़ गैबी आती है, लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, ज़ख्मों पे ज़ख्म पा चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। इस आवाज़ गैबी का आना था, इमाम ने अपने सर को झुका लिया है, आका का सर को झुकाना था, भागी हुई फौजें जमा होना शुरू हुई है, दुश्मन जो भाग चुके थे वो नज़दीक आते हैं। तारीख ने जुमला लिखा है, जब फौजें जमा हुई हैं, कोई नैजा मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई तीर मारता है, और यहाँ तक लिखा है कि जिसके पास कुछ न था वह झोलियों में पत्थर भर के हुसैन को मार रहा था। आज़ादारों ज़रा सोचो, इमाम वक्त हो और दुश्मनों के नरगे में घिरा हो और चारों तरफ से हमले हो रहे हो, कैफियत क्या होगी। एक वक्त वो भी आता है कि जिस वक्त चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, आका के जानू पे एक वार हुआ है, खून का फव्वारा जारी हुआ, एक तीर इमाम के सीने पे लगा, मौला ने तीर को निकाला है, रवायत है कि इस तीर का निकलना था कि खून जारी हुआ है। इसी असना में एक तीर मौला की पेशानी पे लगा, पेशानी पे तीर का लगना था। अब आका हुसैन को घोड़े पे संभला नहीं जाता, घोड़े से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, और किस तरीके से ज़मीन की तरफ आए हैं कि तीरों ने समेटा शहबेकस का मुसल्ला, थर्राई ज़मीन कांप उठा शमोल्ला, आका का ज़मीन की तरफ आना था। तीरों के ऊपर जिस्म मुबारक है, आका ने एक दफ़ा जिस्म को ज़ोर देना शुरू किया है ताकि सजदे इलाही में सर को रखे। इधर आका ने सर को सजदे में रखा, जालिम कुन खंजर ले के आगे बढ़ा है। कितनी बड़ी मंजिल इम्तिहान की करबला के मैदान में आ रही है, नबी का नवासा है जो मख्तले करबला में है, हुसैन के अपने अली है जो करबला के खाक पे है। इधर आका हुसैन ज़मीन पर आए हैं, जालिम कुन खंजर लेकर आया है, इधर बहन बेचैन है, बहन तड़प रही है। एक दफ़ा बेचैनी के आलम में जनाब ज़ैनब दौड़ के तिल्ले ज़ैनबिया पर आई हैं, जो आज तिल्ले ज़ैनबिया मशहूर है, एक टीले पर है, एक ऊँचाई पर है, जनाब ज़ैनब दौड़ के आई हैं। अब जनाब ज़ैनब ने जो आशूर के दिन वो मंज़र देखा है, खुदा किसी बहन को वो मंज़र न दिखाए,
کہ شہزادی زینب نے دیکھا ہے منظر کیا دیکھا کہ حسین جیسا بھائی زمین کربلا پر ہے اور اس بھائی کے سینے پر ظالم سوار ہے اور چاہتا ہے کہ بھائی کے سر و تن میں جدائی کر دے. بہن یہ دیکھ کے برداشت نہ کر پائی. جناب زینب نے تڑپ کے جملہ کہا ہے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا. ان جناب زینب کا یہ جملہ کہنا تھا آقا کے کانوں میں آواز گئی. ایک دفعہ کونیوں پہ زور دے کے اٹھتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے نکلنا کیسا, خیمے میں واپس جاؤ. جناب زینب خیمے میں واپس آئی ہیں. بس ایک منظر ہے, جناب زینب کے لیے یہ امتحان تھا. کربلا کی منزل, کربلا کا واقعہ, آقا حسین کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے. امام حسین کے دنیا سے گزر جانا قیامت ہے اور آثار قیامت رونما ہوئے ہیں. ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھے, جناب زینب کے دل سے پوچھے کہ بھائی کی شہادت کی خبر کیسے سنی ہے. جناب زینب جس منظر کو دیکھ کر آئی ہیں, بھائی کے سینے پہ ظالم سوار تھا, آنے کے بعد آ تو گئی ہیں, بے چین ہیں, تڑپ رہی ہیں, ہائے کون ہے جو بھائی کی خبر لائے, ہائے کون ہے جو بتائے کہ میرے ماں جائے حسین کو کیا ہوا. جناب زینب خیمے میں بے چین ہے, جناب زینب خیمے میں تڑپ رہی ہے. ایک دفعہ زینب اولیاء مقام نے کیا منظر دیکھا کہ زمین کو جھٹکے آنا شروع ہوئے, آثار قیامت ہیں, ہنسی آندھیاں چلنا شروع ہوئی ہیں. یہ بہن تڑپ گئی, یہ بہن بے چین ہو گئی. ایک دفعہ دوڑ کے سید سجاد کے پاس پہنچی, اے میرے لال غش چوکو, کیا قیامت آ گئی ہے پوپی اممہ, خیمے کا پردہ ہٹائیے. عزیزو ذرا سوچو, ایک بیٹا غش کے عالم سے چوکا ہو, آج اگر کوئی اولاد بیمار ہو, بیٹا بیمار ہو, جلدی اس کے باپ کے مرنے کی خبر اسے دی نہیں جاتی ہے کہ بیٹا برداشت نہ کر پائے گا. کوئی مریض ہو, رشتہ داروں کے مرنے کی خبر نہیں دی جاتی. ذرا سوچو, چوتھے امام غش کے عالم میں ہے, چپی نے غش چوکایا ہے, اے میرے لال دیکھو کیا خبر ہے, کیا ماجرا ہے. فرماتے پوپی اماں, خیمے کا پردہ ہٹائیے, ادھر خیمے کا پردہ ہٹا. سید سجاد تڑپ گئے, جو نگاہوں سے منظر دیکھا, بابا کا سر کٹا ہوا نوک نیزہ پہ تھا, تڑپ گئے. بس یہ جملہ کہہ سکے, اے پوپی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی, اے پوپی اماں ہم یتیم ہو گئے, بابا شہید کر دیے گئے, سامنے بابا کے سرنوں کے نیزہ پر ہے. زبان پہ جملات آ گئے, السلام علیک یا باب اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. فضا میں ایک آواز گونجتی ہے, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. حسین شہید کر دیے گئے, حسین رخصت ہو گئے, زینب بن بھائی کی ہو گئی, یتیم سکینہ یتیم ہو گئی. سید سجاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, حائشیو تمہارا امام رخصت ہو گیا. آج حسین دنیا سے چلے گئے, حسین کے بغیر دنیا حسین سے خالی ہو گئی. ایک کربلا میں ایک آواز اور گونج رہی ہوگی, ایک ماں جنت سے آئی ہوگی, وہ دکھیاری ماں جس نے حسین کو چک کی پیس کے پالا ہے. اس نے یہی تو کہا ہوگا, اے بابا آپ نے امت کے ساتھ جو احسانات کیے تھے, یہ کیسا صلہ امت نے دیا ہے کہ آپ کا نواسا ہے میرا لال سرزمین کربلا پر ذبح کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله,
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن تارك والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحار، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله
ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي غدا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام ثم تقول 100 مرة اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين
وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. ثم تقول 100 مرة: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ثم تسجد وتقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.